हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंड्यूस्ड सबग्राफ के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था कि सबग्राफ क्या होता है, स्पैनिंग सबग्राफ क्या होता है, तो आज हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड सबग्राफ क्या होते हैं। इंड्यूस्ड सबग्राफ हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला हमारा है वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ एंड दूसरा आपके पास एज इंड्यूस्ड सबग्राफ। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन की, वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ की डेफिनेशन क्या है, फिर एक एग्जांपल करके सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी ग्राफ का वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ बना सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लेट जी बी अ ग्राफ एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी कंटेनिंग सम बट नॉट ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, then the subgraph containing all the vertices in S and all those edges of G whose end vertices are in S but is called vertex induced subgraph of G। means simple आपके पास कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास let's suppose ये कोई graph given है, ये आपके पास let's suppose क्या है G V कॉमा E, इसमें आपके पास vertex का जो set है उसमें कहाँ कितने वर्टेक्स हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ 6 वर्टेक्स है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक है, मींस हमको अगर कोई ग्राफ गिवन है G और जिसमें वर्टेक्स का सेट क्या है V, तो इसका हम एक क्या बनाएंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट, मींस उसको क्या नाम देंगे S, क्या बनाएंगे एक नॉन एम्प्टी सबसेट, इसका सबसेट लेंगे। लेट सपोज मैंने ले लिया आपके पास V1, V2, V4, V5, ठीक है, क्या ले लिया मैंने आपका एक सबसेट ले लिया एस V1, V2, V4, V5, मीन लेट जी बी अ ग्राफ एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V कंटेनिंग सम बट नॉट ऑल वर्टिसेस ऑफ V। कंडीशन ये है कि जो आप सबसेट बनाएंगे ना तो वो एम्प्टी होना चाहिए और ना ही वो आपके उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे वर्टेक्स हैं, मीन्स जितने आपके पास वर्टेक्स उस ग्राफ में हैं सबके सब भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मीन्स कुछ ही एलिमेंट्स आपके पास या कुछ ही वर्टिसेस आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए एस में। देन द सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस, मीन्स अब हम क्या करेंगे इस वर्टेक्स को लेकर के एक सबग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जितने भी वर्टेक्स हमने एस में लिए हैं इसको लेकर के आप क्या बनाएंगे एक सबग्राफ। तो वर्टेक्स ये होंगे और एजेस कौन कौन से होंगे, एजेस हम लेंगे जी से, जी से हम वही वाली एजेस लेंगे जिसके एंड पॉइंट्स मीन्स कोई भी आपके पास एंड पॉइंट है वो क्या हो एस में प्रेजेंट हो, उस वो क्या हो आपके पास एस में प्रेजेंट हो। तो मींस अगर आपको कोई भी वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ बनाना है तो सिंपल उसका तरीका यह है कि आप क्या ले लीजिए एक कोई भी ग्राफ जिसका आपको वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ बनाना है। लेट सपोज मेरा ये ग्राफ है जी वी कॉमा ई, उसके वर्टेक्स सेट है V1 से V6। तो अगर आपका इसको वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ बनाना है इसमें से, तो क्या करें एक एस एक सेट ले ले जो नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए और साथ में सारे के सारे एलिमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स होंगे, अगर आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं सेट V में तो 5, 4, 3, 2, 1 ये हो सकता है आपके पास, लेकिन एम्प्टी नहीं होना चाहिए और फुल के फुल नहीं। तो मैंने आपको क्या ले लिया V1, V2, V4, V6, मींस आपके पास V1, V2, V4 और लेट्स सपोज V5, ये ले लिया मैंने आपके पास क्या 4 के 4 एलिमेंट्स। तो अब इसमें एजेस कौन सी होंगी, अब एजेस के लिए हम ग्राफ जी में देखेंगे और देखेंगे कि V1 से V2, V4, V5 के बीच में कोई एजेस हैं या नहीं है। तो मैंने देखा कि V1 से दो एजेस हैं, एक V1 से V6 और एक V1 से V2। तो हम V6 वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि V6 हमारे पास कोई वर्टेक्स है नहीं, मीन्स एजेस हम वो लेंगे जिसके एंड वर्टिसेस जैसे V1 और V2। ठीक है, जिसके एंड वर्टिसेस हमारा कहाँ प्रेजेंट हो इस सेट में, कौन से सेट में एस वाले सेट में हमारे पास प्रेजेंट हो। तो हम क्या ले लिया हमने E1 जो V1 और V2 ये दो एंड वर्टिसेस हैं इसके, ये ले लिए हमने। ठीक है, और V1 से और V4 कोई कनेक्ट हो रहा है, V1 से V4 कोई भी नहीं है मींस डायरेक्टली एच, मींस V1 से V5 भी नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे V4 V5 के बीच में आपके पास एक एज है दैट इज एज नंबर 8। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक सबग्राफ बनेगा ये क्या कहलाएगा आपके पास वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ, ये क्या कहलाएगा आपके पास वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जी एस और ग्रेटर देन साइन एस लेस देन साइन,
ये आपके पास डिनोट करने का तरीका है किसको, वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ को, ठीक है। अगर मैं इसका कोई दूसरा वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो लेट सपोज मैंने इसमें एड ऑन कर दिया आपके पास V3, ठीक है, क्या एड ऑन कर दिया मैंने आपका V3, मीन्स एक आपके पास वर्टेक्स का सेट है V1 से V6, जिसमें मैंने एक सबसेट लिया है V1, V2, V4, V5 और V3, ठीक है। अब मेरे को इसका क्या करना है, वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ बनाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये पांच के पांच वर्टेक्स पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है, ये मैंने आपका ड्रॉ कर लिया। अब एजेस कैसे दिखूंगा मैं, क्या V1 और V2 के बीच में कोई एज है, ये दो मैं आपके पास लूँगा पहले पेयर V1 V2, क्या इन दोनों के बीच में कोई पेयर एज है, तो मैंने यहाँ देखा V1 और V2 के बीच में आपके पास क्या है, E1, ठीक है। क्या V1 और V4 के बीच में कोई पेयर है, V1 और V4 कोई आपके पास एज नहीं है, V1 V5 के बीच में, V1 V5 के बीच में भी नहीं है, V1 V3 V1 V3 के बीच में भी नहीं है, ठीक है। अब V2 और V4, V2 V4 के बीच में भी कोई सिंगल एज नहीं है, V2 V5 V2 V5 के बीच में भी नहीं है, V2 V3 के बीच में हमारे पास एक एज है, दैट इज एज नंबर 4, E4, ठीक है। अब इसका भी हो गया, अब क्या करूँगा, V4 और V5 के बीच में एज है, हाँ V4 और V5 के बीच में एज है, दैट इज एज नंबर 8। क्या V4 और V3 के बीच में एज है, V4 और V3, हाँ मेरे पास एज नंबर 7, E7, ठीक है। अब देखूंगा कि V5 और V3 के बीच में कोई एज है, हाँ V5 और V3 के बीच में एज है, एज नंबर 6, E6, और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये जो मेरा आपके पास ग्राफ बना, ये क्या कहलाएगा आपके पास, वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ। मीन्स आपको क्या करना है, कोई अगर आपके पास ग्राफ है उसका वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ बनाना है, तो नॉर्मल आप क्या करेंगे, उसके जो आपके पास सेट है वर्टेक्स, उसका एक सबसेट लेंगे, उस सबसेट में जितने भी वर्टेक्स हैं उसको एक प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे, और फिर उस ग्राफ में देखेंगे कि जो भी आप एज इंक्लूड करना चाहते हैं उसके एंड वर्टिसेस आपके पास इस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ। आइए अब देखते हैं एज इंड्यूस्ड सबग्राफ के, एज इंड्यूस्ड सबग्राफ क्या होते हैं। लेट जी इज अ ग्राफ एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ई, मीन्स एजेस कंटेनिंग सम बट नॉट ऑल एजेस ऑफ जी, देन दी सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल एजेस इन एस एंड दोज वर्टिसेस ऑफ जी विच आर एंड वर्टिसेस ऑफ एच इन एस इज कॉल्ड एन एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ। मीन सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ में वर्टेक्स का सेट लिया था, यहाँ क्या करेंगे आप, एक एच का सेट लेंगे। तो लेट सपोज ये मेरा कोई ग्राफ है, यहाँ पर को मैं कह लेता हूँ कोई ए आपके पास एच का सेट, तो मीन्स एच का सेट क्या होगा आपके पास, स्टार्टिंग में पूरा कितने आपके पास एजेस हैं टोटल, मीन्स 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास के लिए एच, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट बनाऊंगा एस, क्या बनाया मैंने आपका नॉन एम्प्टी सबसेट एस। ये जो सेट है ये आपके पास एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, और आपके पास पूरे के पूरे जितने एजेस हैं वो सबके सब इंक्लूड भी नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है, मीन्स नल भी नहीं होना चाहिए और फुल भी नहीं होना चाहिए। तो लेट सपोज मैंने आपके पास तीन एजेस ले लिए, लेट सपोज 1 2 3 6, ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने आपका एक सबसेट, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, आपके पास अगर एज इंड्यूस्ड सबग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, आपके पास नॉर्मली एजेस का मैं सेट लूँगा, ठीक, उसमें से मैं उसका क्या करूँगा, एक सबसेट बनाऊँगा एस, और जो भी आपके पास एजेस हैं मैं इसमें आपके पास देखूंगा जो मेन ग्राफ में है कि उसके एंड वर्टिसेस क्या क्या हैं। जैसे मैंने ले लिया 1, आपके पास क्या है एज नंबर 1, उसके एंड वर्टेक्स क्या है, ए और बी, तो मींस आपके पास है जो 1 उसके एंड वर्टेक्स क्या है, ए एंड बी, तो ये बन गया आपके पास पहला। दूसरा आपके पास 2, उसका एंड वर्टेक्स क्या है, 2, 2 ये एज है, उसका स्टार्टिंग भी बी है और एंड भी बी है, स्टार्टिंग भी बी एंड भी बी, तो ये हो गया आपके पास 2। 3, 3 का आपके पास स्टार्टिंग आपके पास बी एंड आपके पास सी, स्टार्टिंग आपके पास बी
एंड आपके पास सी, ये हो गया थ्री। आपके पास सिक्स, सिक्स का है आपके पास यहाँ स्टार्टिंग डी और एंड बी डी, मीन्स यहाँ पे आपके पास डी स्टार्टिंग बी डी और एंड बी डी, तो ये आपके पास बन गया एक ग्राफ, डेट इज सब ग्राफ जो हमने इन एजेस को मिला के बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, एज इंड्यूस्ड सबग्राफ। ठीक, ये बहुत ही सिंपल है, आपके पास एजेस का सेट लेना है, उसका एक सबसेट लेना है। अब जो भी सबसेट आपने लिया है, अब क्या करना है कि इसमें आप एज देखिए, एज नंबर वन है, और मेन ग्राफ में देखिए कि उसके एंड वर्टेक्स क्या हैं, और नॉर्मली वैसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, लेट सपोज अगर मैं दूसरा सबग्राफ बनाना चाहता हूँ, लेट सपोज मैंने ले लिया आपके पास वन थ्री फाइव सेवन एंड एट, ये मेरे क्या हो गए आपके पास सबसेट हो गए। तो एज नंबर वन वो किस किस के बीच में है आपके पास, ए और बी के बीच में, एज नंबर थ्री बी एंड सी के बीच में, एज नंबर फाइव ए एंड डी के बीच में, ठीक, फिर एज नंबर सेवन डी एंड सी के बीच में, ठीक, फिर एज नंबर एट ये भी डी एंड सी के बीच में, एज नंबर एट, ठीक है। तो ये आपने एज लिया यहाँ से, उसको आपने मेन ग्राफ में देखा कि उसके एंड वर्टिसेस क्या है, सिंपल वो एजेस आपने बना दी, तो ये क्या हो गया आपके पास, एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ। दोनों बहुत ही इजी हैं आपके पास, कि किसी भी ग्राफ अगर आपको दिया है उसका एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ या आपके पास वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ बनाना है, तो क्या करना है, एक में आपके पास वर्टेक्स का सेट लेना है, उसका सबसेट लेना है, और दूसरे में आपके पास एच का सेट लेना है, फिर उसका एक सबसेट लेना है, और नॉर्मली एक प्लेन में उनको ड्रॉ कर देना है। ये तो थे आपके पास वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ एंड एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ।